नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। लॉकडाउन 5 शुरू होने के बाद पहली बार कलेक्टर टी के वर्मा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ डोंगरगढ़ पहुंचे और नए विश्राम गृह में कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल व व्यापारियों ने बारी बारी कलेक्टर से मुलाकात की। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके चलते किराना, फल, सब्जी व दूध के दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें पूरी तरह से बंद है। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन की वजह से दुकानें बंद है और व्यापारी अब परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते आर्थिक समस्याएं सामने आने लगी हैं और सब्र टूटने लगा है। रविवार को डोंगरगढ़ दौरे पर आए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा से शहर के व्यापारियों ने न्यू सर्किट हाउस में मुलाकात अपनी समस्याओं को रखा। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने कलेक्टर से व्यापारी एवं मजबूर मजदूरों के पक्ष में अपनी बात रखते हुए राहत देने की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि 22 मार्च से दुकानें बंद है और बीच में थोड़ी राहत दी गई, लेकिन शहर में कोरोना वायरस मरीज मिलने के बाद 62 दिनों से मार्केट पूरी तरह से बंद है। अब परिवार चलाने के लिए समस्या आ रही है, खासकर छोटे व्यापारियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानी भी शुरू होनी है और सभी कृषि केंद्र भी नहीं खुलने से किसानों को परेशानी हो रही है। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर टी के वर्मा ने कहा कि फिलहाल डोंगरगढ़ कंटेनमेंट के दायरे में है और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मार्केट को नहीं खोल सकते। कंटेनमेंट की मियाद पूरी होने के बाद ही खोलने की अनुमति दी जाएगी, यानी व्यापारियों को फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी गई है। कलेक्टर ने आज शुरू हो रही स्पेशल ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। स्टेशन में उतरने वाले यात्रियों का प्लेटफॉर्म में ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। और पॉजिटिव केस मिला तो जहाँ जहाँ भी पॉजिटिव केस मिले हुए हैं तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तत्काल, और कंटेनमेंट जोन की जो भी निर्धारित मापदंड है उसका पालन तो सभी को करना पड़ेगा। धार्मिक स्थलों को लेकर क्या गाइडलाइन है सर? अभी 8 तारीख से धार्मिक स्थल के लिए भारत सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी किया है जिसके हिसाब से 8 तारीख से खुलने का है, लेकिन अभी हमारे राज्य स्तर से भी उसके संबंध में निर्देश जो मिलेगा उसी हिसाब से हम लोग। और हमारे प्रदेश के बहुत सारे मजदूर, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे मजदूर कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं और वो वहाँ के विकास में वो लोग सहयोगी बनते हैं। जाके वैसे हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे लोग आते हैं और हमारे प्रदेश के लोग जाते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। लोग उनकी बहुत काम नहीं चल रहा है लॉकडाउन होने के कारण, उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है। बाकी जो वहाँ के जो ठेकेदार को ले गए थे उनको थोड़ा थोड़ा सहयोग किया और बाकी हम लोगों के भी फोन से उनका संपर्क हुआ, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत उनको मदद पहुँचाया। वो हालांकि दूर होने के कारण ज़्यादा मदद तो नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छी सुखद खबर आई कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने ये कहा कि जब कलेक्टर से मिले थे तो क्या बोले कलेक्टर ने? कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन करने गए थे कि प्रशासन का जब भी आदेश रहा हमने स्वतः अपने व्यवसाय को बंद करके रखा, लेकिन आज किसानों को अपने खेत में फसल डालने के लिए धान बीज की अति आवश्यकता है और इस हेतु किसानों का बार बार संपर्क किया जा रहा है, फोन आ रहा है। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि कृषि कार्य के सुफल संचालन के लिए कृषि केंद्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें ताकि किसानों को तकलीफ ना हो। मैं लोक सेवा सेंटर और बैंक की चलाती हूँ और गांव से यहाँ से 20-25 किलोमीटर से लोग यहाँ पैसा निकालने के लिए आते हैं और यहाँ बैंक और एटीएम वगैरह सब बंद है, उनको बहुत परेशानी होती है और फिर बारी बारी आकर यहाँ बंद कराते हैं तो कैसे चलेगा, आप बताइए।